नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं और जो लोग रोज रोज व्रत रखते हैं यानी पूरे 9 दिन के, उनको लगातार सोचना पड़ता है कि रोज रोज हम क्या बनाएं जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो, पेट भी भर जाए, स्वाद भी आ जाए और साथ में बनाने में बहुत आसान भी हो। तो चलिए आज बनाते हैं एक ऐसी रेसिपी जो पूरी तरह से आपकी थाली को कंप्लीट भी कर देगी और बहुत ज़्यादा हेल्दी, नरम, मुलायम भी है। ये देखिए, आपको देखने से ही पता चल रहा है और टेस्ट तो ये होगा ही। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। तो चलिए टेस्टी सी रेसिपी शुरू करते हैं। बस इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राइंग पैन के अंदर 1 कप के लगभग साबूदाना डाल दिया है। आप कोई भी साबूदाना ले सकते हैं और इसे 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर हमें अच्छे से भून लेना है। इसका कलर चेंज होगा ही नहीं, आप कितना भी भून लीजिए जल जाएगा पर कलर चेंज नहीं होगा। और बस हमें 4-5 मिनट तक ही हल्की फ्लेम पर भूनना है और जिसमें इसमें अलग अलग सफ़ेद दाने से नज़र आने लगेंगे, यानी अच्छा सा थोड़ा सा फूलने लगेगा। बस गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अच्छे से इसको ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसको मिक्सी में जार में डालकर पीस लेंगे। अब यहाँ पर एक खास बात क्या है कि जब हम इस तरह से साबूदाने को पीसेंगे तो ये फटाफट बन जाएगा। अगर आप कच्चे साबूदाने को पीसने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा और वो दरदरा सा रहेगा। मैंने इसको अच्छे से ठंडा करके इसको पीस लिया है। अब ये देखिए, तब भी हमें इसे छानना ज़रूरी है। वैसे अगर आप नहीं भी छानेंगे तो चलेगा, अगर आपको साबूदाने के चंक्स अच्छे लगते हैं, और अगर नहीं अच्छे लगते हैं तो इस तरह से छान लीजिए। ये जो ऊपर बचेगा ना, इसको एक बार मैं मिक्सी में फिर से चला लूँगी। ये देखिए काफ़ी सारा बच गया है। गरम से अच्छे से भूनने के बाद भी इसको मुझे दोबारा से पीसना पड़ा। अब ये देखिए अच्छे से इस बार जो है ये आराम से पीस गया और सारा जो है कुछ नहीं बचा, बिल्कुल नीचे हल्का सा आधा चम्मच से भी कम जो है बचे हैं दाने। इसको आप चाहे तो इसी में मिला सकते हैं या अलग निकाल सकते हैं। अब हम लेंगे 2 या 3 मीडियम साइज़ के आलू। थोड़ा बहुत सामान आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने आलू को अच्छे से उबाल कर ठंडा कर लिया है और हम इसे ग्रेटर की हेल्प से जो हमने साबूदाने का पाउडर बना के रखा है उसी में ग्रेट कर देंगे। इस तरह से बनाने से हमें साबूदाने को भिगोने का झंझट भी नहीं करना पड़ेगा और कभी कभी टाइम नहीं होता तो आप फटाफट में रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। अब 2-3 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक, बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दिया है और 2 से 3 चम्मच मेरे पास भुनी हुई मूँगफली पड़ी थी उसको भी मैंने दरदरा पीस के डाल दिया है। मूंगफली का इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया। हरे धनिए से तो हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा देखने में बहुत अच्छा बनेगा। 1 नींबू का रस डाल देंगे क्योंकि व्रत है और ज़्यादा मसाले हम डाल नहीं सकते, तो ये चीज़ें जो हैं इसी से हम अपने नाश्ते को या लंच को बहुत अच्छा बना देंगे। अब मैंने इसमें 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर और 1 चम्मच व्रत वाला नमक डाला है। इस तरह के नाश्ते के पराठे आप सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं या रात को खाने के समय व्रत खुलते समय भी ये बना सकते हैं। बहुत टेस्टी रहेगा, हल्का भी रहेगा, फटाफट से बन भी जाएगा। अब बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें 1/2 कटोरी के लगभग कूटू का आटा डाला है और 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। आप ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कूटू को आटे का कम से कम इस्तेमाल करें व्रत में, वही अच्छा रहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और इजीली डाइजेस्टिबल नहीं होता है। बस अब थोड़ा थोड़ा पानी का हाथ लगाएंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। इसका हमें हार्ड डो नहीं बनाना है क्योंकि अगर आप हार्ड डो बनाएंगे तो साबूदाना अभी 5 मिनट जब हम इसे रेस्ट कराएंगे तो फूल जाएगा और उसकी वजह से वो बहुत हार्ड हो जाएगा और आपके पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए इसको बिल्कुल हमें सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। और इसको इतने डो को बनाने में मुझे पूरा 1 छोटी कटोरी पानी जो है वो आराम से लग गया। अब हम इसे ढककर 10 मिनट तक के लिए रख देंगे। इतनी देर मैंने चटनी और रायता तैयार कर लिया। उन दोनों की रेसिपी जो है वो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बस अब 10 मिनट के अंदर ही हमारा बहुत बढ़िया डो जो है वो सेट हो गया है। अब हम इसके थोड़े से बड़े साइज़ के पेड़े बनाएंगे क्योंकि ये पराठे बहुत पतले नहीं बनते। और दूसरी बात, अभी हमें किनारे निकाल देने हैं तो वो काफ़ी सारा जो है वो वापस से निकल जाएगा। अब इस तरह से हल्का हल्का कूटू को आटे का या सिंघाड़े के आटे का हाथ लगाएंगे और इस तरह से इसके पराठे बेलकर तैयार कर लेंगे। किनारों से ये पराठे बहुत ज़्यादा फटते हैं तो इसका एक इलाज है, या तो आप इसे ऐसी सेक लीजिए घर में से हैं तो, और अगर आपको बिल्कुल गोल पराठे चाहिए तो कोई भी ढक्कन लीजिए जिस साइज़ के आपको पराठे बनाने हैं। मेरे पास आज प्लास्टिक का ही ढक्कन मौजूद था, मुझे मिला ही नहीं स्टील का ढक्कन। अब इस तरह से मैंने तो पराठे बना के तैयार कर लिए। ये देखिए एकदम गोल और बढ़िया पराठा बनाए, ना बहुत पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा है।
एक पराठा मैं आपको अभी और बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले वाला पराठा हल्का सा फट रहा था क्योंकि पानी मुझे हल्का सा कम लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये रेस्ट करेगा ना, वैसे वैसे एकदम बढ़िया पराठे बनेंगे। फिर तो एक एक मिनट में, मतलब आप नॉर्मल पराठे से भी ज़्यादा जल्दी ये पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए, आपको देखने से पता लग रहा होगा कितनी अच्छे हमारे पराठे गोल गोल बन के तैयार हुए हैं। बस चलिए अब इन्हें सेकने की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप सबको रेसिपी पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बस गरम तवे के ऊपर पराठा डालिए, और जब वो एक तरफ से अच्छे से सिक जाएगा तो उसे पलट लेंगे, और उसके बाद घी लगाकर दोनों तरफ से सेक लेंगे। आप चाहें तो सेकने के लिए भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आलू और साबूदाने का पराठा है तो देसी घी से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा घी लगाते जाएंगे और बहुत कम घी में हमारे बहुत बढ़िया पराठे सिक कर तैयार हो जाएंगे। ये पराठे फूलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये देखिए बीच बीच में कोई कोई पराठा फूल रहा है, और कोई कोई पराठा तो पूरा अच्छे से फूल गया था, क्योंकि जैसे ये हम बस सारी बात इस बात में ही होती है कि अगर हम इसे रेस्ट कराएंगे ना तो ये अच्छे से जो है आलू और साबूदाना मिक्स हो जाएंगे और बहुत अच्छे फूले हुए खस्ता पराठे बनेंगे, एकदम नरम मुलायम। अगर आपके घर में कोई बड़े जने हैं ना, वो भी व्रत रखना चाह रहे हैं, तो उनको ये पराठे खिलाइए ना, तो इस बात का झंझट कि डाइजेस्ट नहीं होगा। बहुत हल्के पराठे बनते हैं क्योंकि साबूदाना वैसे ही पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। बस आप उसको घी के बजाय ऑयल में सेक लीजिए, तो यह है कि जिन लोगों को कम कैलोरी का खाना खाना होता है उनके लिए भी अच्छे हैं। देखिए कितने अच्छे, ये देखिए ये वाला पराठा बिल्कुल अच्छे से फूल गया था। तो इस तरह से थोड़ी सी कोशिश से हम बहुत बढ़िया खाना घर में व्रत का बनाकर खा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा आसान तो है ही नहीं। साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी फ्रूट सलाद रख दी है, और इस तरह से हमारी बिल्कुल हेल्दी और आसान थाली बड़े आराम से कम्प्लीट हो जाती है। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। और अगर आपने अपने घर में ये रेसिपी ट्राई की तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। देखिए एकदम नरम मुलायम पराठा बनाए, और अगर आप गरम गरम सर्व करेंगे तो ये एकदम जो है करारा क्रिस्पी बनेगा, और थोड़ी देर रखने के बाद ये बिल्कुल अच्छा सा सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएगा। मैं आगे भी इसीलिए इसी तरह की आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लाती रहूँगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।